Question number 2, part number 1. Differentiate the following with respect to variable involved. तो यहाँ पे वेरिएबल x है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ये प्रॉब्लम है और डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x. तो फंक्शन को सबसे पहले y के बराबर लेट कर लेते हैं. लेट y इज इक्वल टू x का स्क्वायर डॉट सेकेंट ऑफ 4x. डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, dy ओवर dx. राइट साइड से भी d ओवर dx, x का स्क्वायर डॉट सेकेंट ऑफ 4x. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास दो फंक्शन है. दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकेंड फंक्शन. दो फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में मौजूद है. दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं. जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो तब हमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ता है. तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है, ये पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव सेकेंड ऑफ 4x प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज पहले फंक्शन का डेरिवेटिव. ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास फार्मूला, ये देखें, ये पहला जो सेकेंट ऑफ x है, सेकेंट ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है. तो यहाँ पे देखें, मैं आपको बता देता हूँ. सेकेंट ऑफ x, ये यहाँ पे चलें यहाँ लिख देते हैं, ये थोड़ा ऑफ x डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, सेकेंट ऑफ x इसका डेरिवेटिव होता है सेकेंट ऑफ x टेंजेंट ऑफ x. विदाउट सेकेंड डेरिवेटिव लेते हैं, यानी कि x का हमें दोबारा भी डेरिवेटिव लेना होता है, तो वो होता है dx ओवर dx. ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूला होता है. अब इस फार्मूले को हम यहाँ पे यूज करेंगे. तो चलें, तो dy ओवर dx बन जाता है x का स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, सेकेंट 4x का डेरिवेटिव आएगा सेकेंट ऑफ 4x टेंजेंट ऑफ 4x. और फिर विदाउट सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x विदाउट सेकेंड, यानी कि एंगल का डेरिवेटिव आ जाएगा 4x. उसके बाद प्लस का साइन लगा देते हैं, सेकेंट 4x जो है वो एज इट इज, और x स्क्वायर मतलब पावर फार्मूला, पावर शुरू में और पावर में से एक कर देंगे माइनस. विदाउट पावर डेरिवेटिव लेंगे यानी x का, तो वो आ जाएगा डी एक्स ओवर डी एक्स. तो अब मजीद इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास dy dx किसके बराबर आ जाता है, x का स्क्वायर डॉट सेकेंट 4x और टेंजेंट 4 ऑफ x, और 4x का डेरिवेटिव 4 कोफिशियंट है, कोफिशियंट शुरू में आ जाएगा, और x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1. ठीक है, और प्लस आ जाएगा ये सेकेंट 4x, और ये बन गया 2x, और dx dx से क्या हो गया, कैंसिल. तो वन टाइम मल्टीप्लीकेशन हो गई है. तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या बन जाता है, तो यहाँ से देखें कुछ कॉमन आ रहा है, जैसे कि यहाँ देखें कि हमारे पास सेकेंट 4x यहाँ पे मौजूद है. ठीक है, और यहाँ पे भी सेकेंट 4x मौजूद है. तो सेकेंट 4x को मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ. ठीक है, सेकेंट 4x कॉमन, सेकेंट 4x को मैंने कॉमन ले लिया, तो बाकी मेरे पास रह जाता है ये 4x स्क्वायर, इसको लिख देता हूँ 4x स्क्वायर टेंजेंट 4x. ठीक है, और प्लस आ जाता है ये 2x. ठीक है, मजीद भी हम कॉमन ले सकते हैं, जैसे यहाँ से देखें 2x भी कॉमन आ रहा है, तो मैं 2x भी कॉमन ले लेता हूँ, 2x सेकेंट 4x, और ये बन जाएगा यहाँ से 2x टेंजेंट ऑफ 4x प्लस 1. तो डिफरेंशिएट कर लिया हमने फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू. तो प्रॉब्लम है डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से मुतल्लिक, द डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू इन्वॉल्व वेरिएबल. तो यहाँ पर वेरिएबल है थीटा, तो हम थीटा के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव लेंगे. तो फंक्शन को सबसे पहले कंसिडर कर लेते हैं y के बराबर. तो y इज इक्वल टू टेंजेंट क्यूब थीटा डॉट सेकेंट स्क्वायर थीटा. डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, राइट साइड से भी डी ओवर डी थीटा टेंजेंट क्यूब थीटा डॉट सेकेंट स्क्वायर थीटा. तो यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन है, दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकेंड फंक्शन. दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो तब हमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना होता है. प्रोडक्ट रूल क्या होता है, पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव, फिर प्लस का साइन लगाते हैं, दूसरा फंक्शन एज इट इज और पहले का
डेरिवेटिव, ठीक है, ये थीटा टेंजेंट क्यूब थीटा, ठीक है। तो चलें, ये टेंजेंट क्यूब थीटा एज इट इज आ गया। अब डेरिवेटिव फाइंड करना हमने सेकेंट स्क्वायर थीटा का, तो सेकेंट स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव नहीं होता, तो सबसे पहले हम पावर फार्मूला यूज करेंगे, यानी पावर को शुरू में और पावर में से एक कर देते हैं माइनस। अब विदाउट पावर डेरिवेटिव लेते हैं, तो डी ओवर डी थीटा सेकेंट थीटा का डेरिवेटिव अप्लाई कर देते हैं, प्लस सेकेंट स्क्वायर थीटा एज इट इज। अब यहाँ पर भी पावर रूल अप्लाई करेंगे, यानी पावर शुरू में और पावर में से एक कर देते हैं माइनस। अब विदाउट पावर हम डेरिवेटिव लेते हैं, विदाउट पावर यानी कि डी ओवर डी थीटा टेंजेंट ऑफ थीटा, ठीक है। तो हमारे पास डी वाई ओवर डी थीटा किसके बराबर आ जाता है, डी वाई ओवर डी थीटा ये बराबर आ जाता है टेंजेंट क्यूब थीटा, और इस टू को मैं स्टार्ट में लिख लेता हूँ, और ये आ जाएगा जस्ट सेकेंड ऑफ थीटा। याद रखें सेकेंड थीटा का डेरिवेटिव होता है सेकेंड ऑफ थीटा टेंजेंट ऑफ थीटा, ठीक है। थीटा का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो थीटा की रिस्पेक्ट में वन आ जाएगा, तो प्लस ये एज इट इज आ जाएगा। डी को स्टार्ट में लिख लेते हैं, थ्री सेकेंड स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर थीटा भी था टेंजेंट स्क्वायर ऑफ थीटा, और टेंजेंट थीटा का डेरिवेटिव होता है सेकेंड स्क्वायर ऑफ थीटा। तो तब हम इस नेक्स्ट स्टेप में इसको और थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे, तो डी वाई डी थीटा किसके बराबर आ जाएगा, तो यहाँ पे देखें कि ये सेकेंड इस सेकेंड से ज़रा होगा तो सेकेंड स्क्वायर, टेंजेंट क्यूब टेंजेंट से ज़रा होगा तो टेंजेंट की पावर फोर आ जाएगी, टू टेंजेंट की पावर फोर थीटा डॉट सेकेंड स्क्वायर ऑफ थीटा, प्लस यहाँ से भी देखें सेकेंड का स्क्वायर से ज़रा होगा तो सेकेंड की पावर हो जाएगी फोर थीटा, और डॉट ये आ जाएगा टेंजेंट स्क्वायर ऑफ थीटा। तो इन दोनों टर्मों में से देखें कुछ कॉमन आ रहा है, तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से कॉमन आ रहा है सेकेंड स्क्वायर थीटा टेंजेंट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से बच जाएगा टू टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और यहाँ से बच जाएगा थ्री सेकेंड स्क्वायर ऑफ थीटा। तो हमने फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू थीटा। नेक्स्ट पार्ट इज साइन टू थीटा मनफी कॉस थ्री थीटा होल पावर टू। डेरिवेटिव फाइंड करना है क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल थीटा इन्वॉल्व है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, इसको सबसे पहले y के बराबर रख लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू साइन टू थीटा माइनस कॉस थ्री थीटा होल का स्क्वायर। डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डी वाई ओवर डी थीटा, राइट साइड से भी डी ओवर डी थीटा, और ये आ जाएगा साइन ऑफ टू थीटा माइनस कॉज ऑफ थ्री थीटा होल का स्क्वायर। तो अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो यहाँ पे सबसे पहले हम पावर फार्मूला लगाएंगे, तो पावर फार्मूला क्या होता है, पावर शुरू में और पावर में से एक कर देते हैं माइनस कॉज ऑफ थ्री थीटा, यानी कि पावर टू थी टू में से एक माइनस। अब विदाउट पावर फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में, तो विदाउट पावर फंक्शन है साइन ऑफ टू थीटा माइनस कॉज ऑफ थ्री थीटा, ठीक है। अब ये एज इट आ जाएगा टू इंटू साइन ऑफ टू थीटा माइनस कॉज ऑफ थ्री थीटा, टू में से वन माइनस करेंगे तो पावर यहाँ पे वन में जाएगी। अब देखिए साइन का डेरिवेटिव होता है कॉज ऑफ थीटा, कॉज ऑफ टू थीटा। अब विदाउट साइन डेरिवेटिव लेंगे, यानी थीटा का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, यानी कि डी ओवर डी थीटा इंटू टू थीटा। कॉज का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन ऑफ थीटा, माइनस साइन ऑफ थ्री थीटा। अब थ्री थीटा का दोबारा भी डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है, थ्री थीटा का दोबारा भी डेरिवेटिव लेंगे, डी ओवर डी थीटा इंटू आ जाएगा थ्री थीटा। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास डी वाई ओवर डी थीटा ये बन जाता है टू इंटू साइन ऑफ टू थीटा माइनस कॉज ऑफ थ्री थीटा डॉट कॉज ऑफ टू थीटा, और यहाँ पे डॉट
टू कोफिशियंट था, कोफिशियंट बाहर आ जाएगा, थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा का डेरिवेटिव होता है 1, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस साइन ऑफ 3 थीटा, साइन ऑफ 3 थीटा, और 3 जो है ना कोफिशियंट है बाहर आ जाएगा और थीटा के रिस्पेक्ट में 1 आ जाएगा, थीटा का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो पूरा फैक्टर था ये इसके साथ हो रहा था मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2 इंटू साइन ऑफ 2 थीटा माइनस कॉज ऑफ 3 थीटा डॉट, इस 2 को शुरू में लिख लेते हैं, यानी कि 2 कॉज 2 थीटा, और 3 को भी शुरू में लिख लेते हैं 3 साइन 3 थीटा। तो हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया y को विद रिस्पेक्ट टू थीटा। क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 4, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारे पास, कॉज ऑफ अंडरूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ अंडरूट एक्स, इसको लेट करेंगे y के बराबर, लेट y इज इक्वल टू कॉज ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ साइन x। तो इंडिपेंडेंट यहाँ पर वेरिएबल x है, तो x के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे dy ओवर dx, राइट साइड से भी अप्लाई कर लेते हैं d ओवर dx cos ऑफ स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ साइन ऑफ x, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि स्क्वायर रूट इसके एंगल में पड़ा होगा, तो पहले कॉस का डेरिवेटिव आएगा फिर उसके एंगल का डेरिवेटिव आएगा, तो कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब हम इसके एंगल का दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं यानी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, लेकिन इस फंक्शन में देखें तो स्क्वायर रूट पहले है, इसका मतलब पहले स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव आएगा बाद में साइन एक्स का डेरिवेटिव, तो स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव कैसे लेते थे 1/2 और वही फंक्शन यहाँ पे डाल देते थे। अब वो विदाउट स्क्वायर रूट फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेते हैं साइन ऑफ एक्स, तो मजीद सिंप्लीफाई करें तो मनफी साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब देखो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, अब विदाउट स्क्वायर रूट एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो वो आ जाएगा 1, ठीक है, 1 मल्टीप्लाई होगा तो यही फंक्शन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ साइन ऑफ एक्स और डॉट, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉज ऑफ एक्स, विदाउट साइन डेरिवेटिव लेंगे यानी एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो वो आ जाएगा 1। तो हमने फाइंड कर लिया डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसे मजीद भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एक स्टेप और कर लेते हैं यहाँ पे हम, ठीक है, तो डी वाई ओवर डी एक्स ये बराबर आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस कॉस को 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा कॉस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स।